राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक एवं प्रचारक श्री रंगहरी जी वदारा लिखित पुस्तक भारत के राष्ट्रत्व का अनंत प्रवाह भारतीयता का समग्र दृष्टिकोण है। भारतीयता का सतत प्रवाह किस तरह से आगे बढ़ रहा है और समृद्ध हो रहा है, इस पुस्तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। इस मूल्यवान पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं, साथ ही 4 प्रसिद्ध बौद्धिक चिंतकों के आलेख भी हैं। समझ से समाज की ओर, राष्ट्र का उत्क्रमण व राष्ट्र संधारक गुण, राष्ट्र राष्ट्रीय संबंध, वैदिक राष्ट्र में अनेकता व विविधता, राजा राज्य की उत्क्रांति, राजत्व का विकास, रामायण के युग में, महाभारत के युग में, चाणक्य का योगदान, एकात्म भारत का बोध जागरण, गुप्त गंगा, मंत्र विप्लव, सेफ्टी वाल्व इंडियन नेशनल कांग्रेस, मंत्र विप्लव से अबाधित राष्ट्रत्व का अवार्चीन सूक्त, स्वत्व जागरण, सानुग्रह शाप और कृणवंतो विश्व मार्यम जैसे अध्याय इस पुस्तक के महत्वपूर्ण भाग हैं। इस पुस्तक में अनेक वैदिक ग्रंथों के प्रसंगों का उल्लेख है। देश के बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राष्ट्र और राष्ट्र में संजात जन जन का पारस्परिक रिश्ता माता पुत्र का है। राष्ट्र से लेने से अधिक राष्ट्र को दें, इस प्रकार का निस्वार्थ समर्पण प्रत्येक राष्ट्र का स्वभाव होना चाहिए। पुस्तक के एक प्रसंग में उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार आज के आधुनिक युग में प्रत्येक देश का एक राष्ट्रगान है, वैसे ही भारत के वैदिक कालीन राष्ट्रगान का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। राष्ट्र के उद्भव के बारे में बहुत ही प्राचीन जानकारियों एवं ग्रंथों के संदर्भ का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। महाराजा पृथु के समय में सर्वप्रथम राष्ट्र एवं राजा की व्यवस्था का कार्य शुरू हुआ। आदि कवि वाल्मीकि ने भी रामायण के अयोध्या कांड में राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया है। रामायण काल में राष्ट्रत्व का प्रभाव बढ़ता गया और विकसित होता गया। वैदिक ज्ञान के दृष्टिकोण से इस पुस्तक का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में देश की 151 प्राचीन पवित्र नदियों के नाम हैं। अनेक ऋषि मुनियों का उल्लेख है एवं भारतीय नदियों को विश्व की माताएं कहा गया है। वैदिक काल से ही भारत को विश्व के सबसे प्रिय देश होने का गौरव प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में उनकी राज्यसभा का नाम सुधर्मा था। भारत के विकास और संवर्धन में आचार्य चाणक्य के योगदान का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। भारतीय राजव्यवस्था को एक छत्र के नीचे लाने वाले चाणक्य ने भी चक्रवर्ती सम्राट को गढ़ा था। चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य की नीति एवं रीतियों के छाप प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। प्रत्येक व्यवस्था के लिए चाणक्य ने मंत्रियों एवं सचिवों को नियुक्त कर रखा था। भारत के राष्ट्रवाद एवं हिंदुत्व के समक्ष अनेक बार जो चुनौतियां खड़ी भी हुई, उन पर किसी तरह से विजय पाई गई। इस पुस्तक के कई अध्यायों में किस तरह से विजय पाई गई, इस पुस्तक के कई अध्यायों में इसका उल्लेख है। भारतीयता एवं सनातन धर्म की महानता को हर युग में किस तरह हमारे संतों एवं उपासकों ने जीवित रखा, अनेक प्रसंगों में इसका उल्लेख भी पुस्तक में मिलता है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर क्षेत्र में संत सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की लौ को जागृत करने में लगे थे। पश्चिम में जब नेशनलिज्म की अवधारणा ने जन्म लिया, तो सारी दुनिया को पता चला कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय तो वेद काल में ही हो चुका था। पश्चिम में नेशनलिज्म का उदय इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के बाद हुआ था, जबकि भारत में राष्ट्रवाद की विकास यात्रा सदियों से चली आ रही थी। मगर अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा प्रणाली, व्यवस्था, प्रशासन, प्रचार और चर्च के षड्यंत्र से राष्ट्रवाद की जड़ें थोड़ी कमजोर हुई। हालांकि भारत के बड़े समूह के बीच राष्ट्रवाद की अस्मिता तमाम भ्रांतियों के बाद भी अपनी पकड़ बनाए हुए थी। इस पुस्तक के लगातार अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत का साहित्य, कला, संस्कृति और विचारकों ने भारत और भारतीयता के विकास में अमूल्य योगदान दिया। वेदकालीन भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक राष्ट्र ने अनेक व्यवस्थाओं को देखा।
सब कालखंडों में सबसे सुखद बात ये रही कि भारतीयता और राष्ट्रवाद सदैव अग्रसर रहे। स्वतंत्रता के उपरांत देश ने अपने वैदिक ग्रंथों से अनेक सुक्तियों को प्रशासन से लेकर संसदीय व्यवस्था तक में अपनाने का काम किया। वर्तमान समय में दुनिया भर में भौतिक विज्ञान सत्य से बाहर खोज कर रहा है, मगर हमारा आध्यात्म सत्य के भीतर की खोज कर रहा है। यही भारत का सर्वोच्च दार्शनिक चिंतन है। भारत का राष्ट्रवाद अमर है और अनंत गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी गौरवशाली परंपराएं आज भी आदर्श हैं, जिन्हें पूरा विश्व अपना रहा है। विमर्श प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 216 पृष्ठ हैं। पुस्तक का मूल्य मात्र 100 रुपए है। भारत के राष्ट्रत्व का अनंत प्रवाह पुस्तक ज्ञान का बड़ा भंडार तो है ही, साथ ही बोनस के तौर पर इस पुस्तक में डॉक्टर मनमोहन वैद्य, मिलिंद ओ और डॉक्टर भगवती प्रकाश के हिंदुत्व पर लिखे गए महत्वपूर्ण आलेख हैं। पुस्तक के लेखक श्री रंगा हरि ने अनेक प्रश्नों के उत्तर भी पुस्तक में विस्तार से दिए हैं, जिनके उत्तर बेहद प्रभावशाली और तार्किक जानकारियों से परिपूर्ण हैं।